अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कहते हैं कि हज़रत मूसा की कौम पर आसमान से खाना उतरता था, इसमें जन्नत के फल और नावनोश की चीज़ें शामिल थीं, मगर बनी इसराइल ने इसकी कदर ना की, जिसके बाद अल्लाह ने अपनी नेमत का नज़ूल बंद कर दिया। मनोसलवा में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन अहादीस के मुताबिक दुनिया में अगर जन्नत का कोई फल है तो वो है अजवा खजूर। बहुत सी अहादीस के मुताबिक इसमें जादू से निजात, जहर से निजात, आँखों के अमराज, जुनून पागलपन और नफ्सियाती अमराज से निजात शामिल है। नई साइंसी तहकीक के मुताबिक अजवा खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स की इतनी मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सोजिश के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी इसमें शिफा ही शिफा है। खजूर के इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात और उसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जदीद साइंस भी इस बात को कबूल करती है कि खजूर में मौजूद फाइबर और दीगर अज्जा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। खजूर में तमाम किस्म की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें विटामिंस और मिनरल पाए जाते हैं। अजवा खजूर में आयरन की और मैंगनीज़ की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा सल्फ़र भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर आप दिन में 3 खजूरें खाएं तो आपके जिस्म पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे और आपका जिस्म बीमारियों से महफूज हो जाएगा। इसके अलावा दिल, जिगर और दिमाग को तकवीत मिलेगी, खुद को तरोताज़ा और तवाना महसूस करेंगे। तबई माहरीन के मुताबिक खजूर का इस्तेमाल सुन्नत रसूल भी है और इसे 12 रोज़ तक इस्तेमाल करने से सेहत के बहुत से मसाइल से छुटकारा मिल जाता है। खजूर में बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से सूजन पर काबू पाने में मदद मिलती है और जिस्मानी दर्दें भी कंट्रोल में रहती हैं। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि खजूर खाने से जिस्म में सूजन कम होने के साथ दर्द में भी आराम आता है। ये दिल के अमराज के लिए भी काफ़ी मुफीद मानी जाती है। दिल के मर्ज में इसको 7 खजूरें रोज़ाना सुबह के वक्त खाने से दिल के मर्ज में भी बहुत ज़्यादा अफाका होता है। पुराने पाक में अल्लाह ने सूरह मरियम में हामला खवातीन का को खजूर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद बताया है, और आज एक जदीद तहकीक में मालूम हुआ है कि जो खवातीन हमल के दौरान खजूर का इस्तेमाल करती रहें उन्हें दर्द ज़ेह और बच्चा पैदा करने में आसानी होती है। माहरीन ने 69 हामला खवातीन का जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया कि जो खवातीन डिलीवरी से 4 हफ्ते कबल खजूर खाती हैं उन्हें बच्चा पैदा करने में आसानी रहती है। हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा, जैसा कि बताया गया है कि इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अजवा मदीना मुनव्वरा की सबसे अजीम खजूर का नाम, इसमें हर बीमारी से शिफा है। अबू नईम की रिवायत के मुताबिक रोज़ाना 7 अजवा खजूर खाने से जज़ाम यानी कोढ़ में फ़ायदा होता है। इरशाद नबवी है, ये जन्नत का फल है और इसमें जहर से शिफा है। खजूर का इस्तेमाल दुनिया भर में मजहबी और सकाफ़ती लिहाज से अहम और बुनियादी शय के तौर पर किया जाता है। बिलखसूस रमज़ान में इसकी अहमियत तमाम मुस्लिम ममालिक में नुमाया तौर पर उजागर होती है। मुस्लिम घरानों में अफ्तारी के वक्त ऐसा कोई दस्तरखान देखने में नहीं आता जहाँ खजूर मौजूद ना हो। इसकी मकबूलियत का और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में 20 से ज़्यादा जगहों पर कई अहादीस मुबारक में खजूर और उसके दरख्त के का तज़किरा मिलता है। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है, यही वजह है कि कदीम ज़माने से ही इसे बतौर मीठे के इस्तेमाल करने का आम रिवाज था। बिलखसूस इस्लाम की आमद के बाद इस मुतबरक शय की खसूसियात मज़ीद उभर कर सामने आईं। रिवायत है कि एक सहाबी के सीने में दर्द उठा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर 12 अदद गुठलियों समेत पीस कर पिलाने की हिदायत फरमाई। इस तरह उन सहाबी का दर्द दूर हो गया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो अजवा खजूर के फ़ज़ाइल के मुतालिक। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔